तो गाइस मेरा ये वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं था। मैंने बहुत सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं मैं ना बनाऊं, बहुत सी बातें मन में थी। जब गुस्सा आया एक बार को लगा मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी कुछ बनाऊं, मैं भी रिवर्ट में कुछ आंसर दूं, क्योंकि आप सबने पूरी लाइफ देखी है मेरी पिछले 2.5-3 साल में, जब से शादी हुई सब कुछ। लेकिन ना ये वीडियो बस कुछ डालना नहीं चाहता सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, हृदय। हृदय को मांग तो रही है स्नेहा भी, और लेकिन किस क्या क्या मांग रही है सोशल मीडिया पे डाल के चीज़ें। सोशल मीडिया पे चीज़ें करने से होगा क्या, कल को हृदय का क्या होगा। मैं तो ये सोच के कुछ नहीं डालना चाहता हृदय के लिए, क्योंकि आज वो छोटा है, कल वो बड़ा होगा, जब वो 5 साल का होगा या जब वो 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, स्कूल में जाएगा, तो कितने बच्चे आके ये बोलेंगे भाई तेरी मम्मी ने ये करा था सोशल मीडिया पे, तेरे पापा ने ये करा था सोशल मीडिया पे। तो वो उसका फ्यूचर क्या, उसको ग्रो करना है, वो भी बड़ा हो रहा है, वो तो भाई बड़े होने से पहले ही मेंटली इतना टॉर्चर हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, इतना रोने लगेगा भाई कि क्या हो गया भाई, उसकी तो ज़िंदगी शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी भाई। हर इंसान आके उसको ताना मारेगा, हर इंसान आके बातें करेगा, वो एक नन्ही सी जान है, छोटा सा बच्चा है। और रही बात पालने की, आप मांग तो रहे हो लेकिन आप पालोगे कैसे उसको, आप रखोगे कैसे। आपने पिछले 2.5 साल में सबने देखा होगा गाइस कि मेरे मम्मी पापा ने कैसे हृदय को पाला है, कैसे मम्मी पापा के पास हमेशा सोया है वो, हर चीज़ मम्मी पापा ने किया, सबने देखा। मैं कुछ मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों की बातें। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे मम्मी पापा भाई कितना अच्छे से हृदय को रखते हैं, ये सबने देखा है, कितने अच्छे से उसको पाला है, बड़ा किया है, कितना स्नेहा ने रखा है, सबको पता है। जो वीडियो भी आप लोगों ने देखी है, ये वीडियो पारस ठकराल और उनकी पत्नी स्नेहा का है। इनके कुछ दिनों से व्लॉग देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया हो या फिर डिवोर्स होने वाला हो। स्नेहा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि पारस अपनी पत्नी यानी मुझे जान से मरवाने वाला है और पारस ने मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया है। लेकिन पारस ठकराल का कहना है कि जो लोग आज इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो कल आकर इसी को गाली देंगे, क्योंकि पारस ठकराल का कहना है कि स्नेहा पैसा चाहती है, उसे अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं है, वो बस सोशल मीडिया पर आकर लोगों से मदद मांग रही है। फिलहाल दोस्तों, पारस ठकराल और स्नेहा में से आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।